नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर रोडवेज बसों के किराए की बढ़ोतरी को लेकर है। प्रति किलोमीटर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने किराए में बढ़ोतरी की है। 25 पैसा प्रति किलोमीटर किराया अब जो यात्री हैं उनको अधिक देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले 1.05 रुपए प्रति किलोमीटर जो किराया था, अब उसमें बढ़ोतरी के बाद अब 1.30 रुपए प्रति किलोमीटर का किराया, यानी अगर आपको लखनऊ जाना है तो जो पहले किराए देते थे उसमें 77 रुपए की वृद्धि हो गई है। और ये बड़ा झटका है यात्रियों के लिए और यही वजह है कि जो यात्री हैं वो परेशान हैं, क्योंकि 12 बजे रात से ही जो दरें हैं वो लागू हो गई हैं। और इन दरों के लागू होने के बाद से जो यात्री हैं वो परेशान हैं, उनको अचानक से किराया बढ़ने की उम्मीद नहीं थी। और उनका ये भी कहना है कि अगर किराया बढ़ाना ही था तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 पैसे के करीब बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सरकार को इस पर अब विचार करना चाहिए। दूसरी खबर पूर्वोत्तर रेलवे से जुड़ी हुई है। पूर्वोत्तर रेलवे के रूट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब जो आवागमन है वो आसान हो जाएगा और वे जल्द ही अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे जो निर्धारित समय है, और ट्रेनें लेट नहीं होंगी। चूंकि पूर्वोत्तर रेलवे 188 करोड़ रुपए का जो बजट इस बार मिला है ब्रॉडगेज को दुरुस्त करने के लिए, उस पर काम कर रहा है और 7 रूटों पर ये काम चल रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये इस साल ही ये काम पूरा हो जाएगा। और इसके साथ ही जो स्लाइड बूम है उस पर भी काम हो रहा है, जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग पर जो ट्रेनें रुक जाती हैं सिग्नल फेल होने की वजह से, अब वो ट्रेनें नहीं रुकेंगी और स्लाइड बूम की वजह से जो दोनों तरफ लगने वाला जाम है वो भी समस्या दूर होगी। और इससे यात्री जो ट्रेन है नहीं रुकेगी तो इससे यात्रियों को भी काफी सुविधा होगी और अपने गंतव्य तक वो सही समय पर पहुंच सकेंगे और ट्रेनें लेट भी नहीं होंगी। तीसरी खबर यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और गोरखपुर के प्रभारी सुरेश कुमार खन्ना के 2 दिवसीय दौरे से जुड़ी हुई है। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर वे आ रहे हैं और आते ही वे यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद वे जो शहर के प्रशासनिक और पुलिस के अफसर हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था पर वो स्थिति जो है उस पर बात करेंगे और इसके बाद वे दूसरे दिन यानी कल सुबह वे मलिन बस्ती जाएंगे, वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे और इसके साथ ही जो साफ सफाई है उसका निरीक्षण भी करेंगे। और इसके बाद वो गोवंशों का हाल जानने के लिए कान्हा उपवन जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि जो गोवंश है उनका जो रख रखाव है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसके साथ ही उनको चारा सही समय पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी भी यथा स्थिति जानेंगे और इसके बाद वे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। गोरखपुर को यूपी के साथ स्वच्छ तीर्थ स्थलों की श्रेणी में शुमार होने के बाद अब नगर निगम भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जाग गया है और अब जो शहर के सड़कों पर कचरा फेंकने वाले लोग हैं उनको सावधान हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अब नगर निगम ने 4 मार्च से उनसे भी जुर्माना वसूल करने की कवायद शुरू कर दी। अगर आप पहले चरण में अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको नगर निगम वार्निंग देगा, इसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात होगी। और तीसरे चरण में जो भी लोग सड़क पर गंदगी करेंगे या कचरा फेंकेंगे 10,000 रुपए जुर्माना उनको देना पड़ेगा। और स्वच्छता की जो पहल है उसमें नगर निगम ने एक कदम अपना और आगे बढ़ाया है और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन जिस तरह से सीएम सिटी में किया जा रहा है, नगर निगम ने लोगों को चेतावनी भी दी है कि अगर वे उनके घर में कचरा निकलता है तो उसे अलग अलग थैलियों में रखकर जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं उनके ही सुपुर्द करें। गोरखपुर में जर्जर मकानों को लेकर नगर निगम एक बार फिर एक्शन में आ गया है और लगभग 150 ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और उनको गिरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यही वजह है कि जो मकान के जो मालिक हैं उनको और किराएदारों को भी वार्निंग दी गई है कि या तो उसकी वो मरम्मत करा लें और नहीं तो नगर निगम पूरी तरह से एक्शन लेगा और ऐसे मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी करेगा। नगर निगम ने यहां तक कहा है कि जो भी मकान मालिक इन मकानों को आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से नहीं दुरुस्त करा सकते हैं, नगर निगम इसमें पहल करके उन्हें लोन भी स्वीकृत कराएगा और उनके मकान को मरम्मत भी कराने के लिए जिम्मेदारी ले रहा है। ऐसे में अब जिनके भी मकान जर्जर हो चुके हैं वो मकान मालिक और किराएदार अलर्ट हो जाएं और अपने मकानों को दुरुस्त करा लें, वरना नगर निगम कभी भी उस पर बुलडोजर चला सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।